दिल ये फिसल हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, आज का जो ब्लॉग है ये मैं गोवा से लेकर आई हूँ। आप लोग पिछले मेरे 4-5 ब्लॉग से देख रहे हैं कि मैं हूँ इस टाइम पर गोवा में। खूब मस्ती चल रही है, धमाल चल रहा है, बीचेस पे घूम रहे हैं, बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। तो ये जो ब्लॉग है, आज इस ब्लॉग में आपको गोवा की स्पेशल थाली दिखाऊंगी, फिश थाली कैसी होती है, साथ ही गोवा का जो सबसे फेमस बीच है जिसके बेस पर बना हुआ है गोवा वाले बीच पर सॉन्ग, जो कि मैं कभी एक आध छोटी सी क्लिप 5-6 सेकंड की अपने वीडियोस में भी दे देती हूँ, इन बीचेस के वीडियोस में। तो वो बीच भी आपको दिखाऊंगी आज, जिसका नाम है बागा बीच। बहुत ही खूबसूरत बीच है, गोवा का सबसे शानदार, सबसे बड़ा और सबसे खूबसूरत बीच है। वहाँ की सनसेट दिखाऊंगी। और तीसरी बात यह कि गोवा का छोटा सा मार्केट, जो हमने छोटी छोटी सी शॉपिंग करी थी, वो भी आज आपको दिखाऊंगी। तो इस ब्लॉग में बने रहिएगा, बहुत ही खूबसूरत सा ब्लॉग है दोस्तों। और ये ब्लॉग वहीं से कंटिन्यू है जहाँ से मैंने अपना लास्ट ब्लॉग फिनिश किया था। तो इस टाइम पर हम लोग हैं बागातर बीच पे, जैसा कि आपने पिछले ब्लॉग में देखा होगा, बागातर बीच के दूसरे साइड। अभी आकर हम लोग यहाँ एक बड़ी सी रॉक पर बैठे हुए हैं, मैं और दिया, मेरे हस्बैंड नीचे हैं, वो थोड़ा शूट वूट कर रहे हैं। और यहाँ पर भी लहरें काफ़ी ज़्यादा तेज़ हैं, बहुत ही खूबसूरत सी लहरें हैं। और इस चट्टान पर बैठे बैठे मैंने अपने घर पर वीडियो कॉल भी किया था, मतलब अपने ननद और देवर को, अपनी फ्रेंड को वीडियो कॉल किया था, और यहाँ का बीच दिखाया था उन लोगों को। तो वो लोग भी देखकर काफ़ी खुश हुए थे कि चलो, इस बहाने से हमने मोना से बात करी थी, वीडियो कॉल पर दिखाया था। और अभी मैं इस चट्टान पर बैठी हुई थी तो इन्होंने बोला कि चलो दिया को थोड़ा सा इन्जॉय करा देते हैं, और दिया खेल रही है इनके साथ। और इसके बाद सर आकर बैठे हैं हम लोग खाना खाने के लिए। खाना खाते ही जब आकर बैठे तो वहाँ पर हर रेस्टोरेंट में एक होती है कोकोनट फेनी या फिर काजू की फेनी, दो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा फेमस है, जिसे कि कोल्ड ड्रिंक या सोडा में मिलाकर पीते हैं। और मैं ये बता दूं कि ना ही ये बियर है और ना ही प्रॉपर वाइन है, ये एक बीच की कोई चीज़ होती है जिसे कोकोनट फेनी का नाम दिया गया है। और एक पैग इसकी 30 या 40 रुपीज़ की आती है, और इसमें कुछ कोल्ड ड्रिंक वगैरह डालकर पीते हैं। तो खाना खाने से पहले हमने भी यही ऑर्डर किया था, और हम दोनों ही यहाँ इंजॉय कर रहे हैं, और हम दोनों को भी बहुत अच्छी लगी थी। और अभी जो है यहाँ पर हमारी आ गई है फिश थाली, गोवा की किंग फिश थाली। इसमें क्या क्या है चलिए आपको आगे बताती हूँ। हमारी गोवा की थाली में गोवा स्पेशल किंग फिश थाली, जिसमें है राइस, कोकोनट करी, प्रॉन करी, और ये बहुत ही स्मॉल प्रॉन है, और ये है कोकम रेड कलर का, सैलेड, चटनी, रोटी, और ये है किंग फिश फ्राई जो कि मसाला फ्राई है। कैसी लग रही है थाली। और ये है हमारा आज का दूसरा स्पेशल आइटम, प्रॉन मसाला फ्राई, जिसके साथ है सैलेड और फ्रेंच फ्राइज। तो ये प्रॉन मसाला फ्राई आप लोग भी इंजॉय करिए, गोवा के स्पेशल सी फूड। और जो लोग प्योर वेजिटेरियन हैं उनसे मैं सॉरी बोलती हूँ, क्योंकि गोवा जाने के बाद अगर नॉन वेजिटेरियन हैं और वहाँ की सी फूड नहीं खाया, वहाँ के सी फूड इंजॉय नहीं किए, तो आपको मज़ा नहीं आएगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पर वीडियो में दिखा दिया। और जिस होटल में, मतलब जिस रेस्टोरेंट में हमने खाना खाया था, वो सामने से मैं दिखा रही हूँ, उसका नाम है पाम ग्रूव रिसॉर्ट करके। ड्राइवर साहब ने हमें, मतलब रोका था, गाड़ी रोकी थी हमें यहाँ पर खाना खाने के लिए। तो मैंने कहा चलो छोटा सा क्लिप बना लेती हूँ, क्या पता कि कोई गोवा से हो, कोई उस साइड से हो, उसको इस रेस्टोरेंट के बारे में पता चल जाए। थोड़ा सा आउटर एरिया में था, हाईवे रोड पर था, पर बहुत ही प्यारा सा रेस्टोरेंट था, बहुत ही अच्छा सा खाना था यहाँ का। हम बहुत ज़्यादा खुश हुए थे यहाँ का खाना खाकर, इसलिए मैंने प्रॉपर यहाँ पर बाहर का शूट कर लिया था। और अभी यहाँ पर ये होटल में अंदर पेमेंट कर रहे हैं, मैं बाहर आकर गाड़ी में बैठने ही वाली थी, फिर मैंने कहा चलो थोड़ा सा शूट कर लेते हैं बाहर। आप देख रहे हैं मीठे पान वगैरह की भी व्यवस्था हुई है इस रेस्टोरेंट के बाहर।
और अभी खाना खाने के बाद हम लोग आ गए हैं गोवा के सबसे शानदार बीच पर, सबसे खूबसूरत बीच पर, सबसे बड़े बीच पर, जिसका कि नाम है बागा बीच। जी हाँ, ये बागा बीच का मार्केट है और मार्केट शुरू होता है काफ़ी दूर से ही, काफ़ी रेतीली सी, मतलब रेतीला सा रास्ता है बीच में। आप देख रहे हैं मैटिंग भी बिछी हुई है क्योंकि रेत इतनी ज़्यादा होती है कि चप्पलों में घुसती है, तो कुछ लोग मैटिंग पे चलना प्रेफर करते हैं। और साइड साइड में जो बीच के चारों ओर आपको छोटे छोटे हट्स स्टॉल जैसे दिख रहे हैं वो बने हुए हैं, चेयर्स वगैरह लगे हुए हैं कि आप आराम से बैठ कर बियर वगैरह पी सकें, वाइन पी सकें। मतलब एकदम खुला सा माहौल है और ओपन सा माहौल है यहाँ। बिल्कुल भी कुछ ऐसा नहीं है कि आप ये नहीं खा सकते, ये नहीं पी सकते, हर चीज़ ओपन है, कहीं कोई पुलिस नहीं है, कहीं कोई कुछ नहीं है। तो ये बागा बीच का खूबसूरत सा जो एक बोर्ड लगा हुआ है ये आपको दिखा रहे हैं। और बीच पर आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा भीड़ है और इस बीच पे सबसे ज़्यादा भीड़ थी। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ का जो सनसेट है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होता है और पूरे बीच पर ये अम्ब्रेला वगैरह लगे हुए हैं बैठने के लिए और लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं इस बीच पे। हमने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। साथी दिया के लिए हमने एक प्लास्टिक का पूरा सेट खरीदा था जो वहाँ पे रेत में खेलने के लिए बच्चों को मिलता है, मतलब मार्केट में मिलता है, तो हमने वहाँ पर ये 150 का एक सेट खरीदा था कि दिया जाएगी स्पेशली यहाँ बीच के किनारे बैठ कर इंजॉय करेगी। रेत का महल जो बच्चे बनाते हैं या फिर रेत से खेलते हैं तो उसका भी शौक था कि माँ मुझे भी दिलवाओ, तो यहाँ पर हमने दिया को पूरा सेट दिलवाया था। दिया मैडम हमारे यहाँ पर बैठ कर यही काम कर रही हैं। और ये बागा बीच के जो पीछे का हिस्सा है, मतलब बीच के सामने का हिस्सा है, मेरे पतिदेव आपको दिखा रहे हैं अपने साथ साथ। तो यहाँ पर जो है आप देख रहे हैं अब बस हम सनसेट होने ही वाला है। बहुत ही खूबसूरत सा कलर आ गया था माहौल में, एकदम येलोइश सा, बहुत अच्छा लग रहा था और बहुत ज़्यादा भीड़ थी। ये बीच बहुत ज़्यादा बड़ा है तो बच्चे भी खेलते हैं, बड़े बूढ़े सब खेलते हैं, बाहरी टूरिस्ट ज़्यादा आते हैं। और इस टाइम पर मैं जा रही हूँ बीच के पास पानी लेने क्योंकि दिया जो रेत वाले महल बना रही थी उसमें रेत को गीला करना था, तो एक बार इन्होंने ला के पानी दिया था, एक बार मैं चली गई थी लेने। और दिया को थोड़ा सा यहाँ पर हम इंजॉय करा रहे थे, ड्राइवर ने बोला था कि बागा बीच पे अच्छी जगह है, इंजॉय करने की जगह है, बच्चे वहाँ पर बैठ कर रेत के महल वगैरह बनाते हैं, तो आप लोग चाहो तो 2-3 घंटे इंजॉय कर सकते हो। तो हम लोग भी यहाँ आ गए थे आराम से और ये हमारा लास्ट डेस्टिनेशन था आज का। हमें पता था इसके बाद से फिर हम जो है होटल जाएंगे, आराम करेंगे, तो इसलिए हम भी निश्चिंत थे। यहाँ पर हमने भी थोड़ा सा पानी वानी पैरों में लगा लिया था और अभी दिया मैडम बैठ के इंजॉय कर रही हैं। हमने बैग वैगे सब कुछ दिया के पास रख दिए थे और बीच बीच में हम लोग जाकर कुछ वीडियो फोटो वगैरह क्लिक कर रहे थे। पानी में अभी आप देख रहे हैं सूरज की जो किरण है कितनी प्यारी सी लग रही है, बहुत ही खूबसूरत सा व्यू था इस टाइम का। और किसी भी जब बीच पर सी के आसपास जाते हैं तो आपको पता है कि सनसेट का जो टाइम होता है तो वो कितना खूबसूरत होता है। हम लोग सनराइज तो बहुत ज़्यादा पिक नहीं कर पाए किसी भी बीच का क्योंकि मॉर्निंग का टाइम होता था, उस समय हम लोग सो रहे होते हैं होटल में, पर ये जो सनसेट का टाइम है ये काफ़ी खूबसूरत हमें मिल गया था आज बागा बीच पर। और मैंने यहाँ की वॉइस हटाई है क्योंकि इस टाइम पर बागा बीच के आसपास बहुत ही अच्छा सा म्यूजिक चलता है, डीजे चलता है, लोग डांस करते हैं, मस्ती होती है, वाइन वगैरह पीते हैं और अपना खाना वगैरह इंजॉय करते हैं। तो बस यहाँ पर अभी इन्होंने बोला कि थोड़ा सा तुम आकर खड़ी हो जाओ, मैं थोड़ा सा क्लिप लेता हूँ। आप देख रहे हैं बहुत सारे लोग नहाने वाले हैं, घूमने वाले हैं, पानी में मैंने भी पैर वैर डाले थे इसीलिए सुबह से पूरे दिन से हम लोग स्लीपर्स पहने घूम रहे हैं इसी बीचेस के चक्कर में, क्योंकि हमारे ड्राइवर ने स्पेशली बोला था कि आप लोग शॉर्ट्स पहनना और स्लीपर पहनना तभी आप लोग बीच का एंजॉय कर पाओगे, क्योंकि अगर लंबे कपड़े पहन लिए, फुल जीन्स वगैरह पहन ली तो आप बीच पे एंजॉय नहीं कर पाओगे। तो उन्हीं के गाइडेंस में हमने सारे काम करे थे। यहाँ पर मैं दिया के साथ आप देख रहे हैं एकदम फ्रीली बैठी हुई हूँ आराम से पैर फैला के, क्योंकि बस हम लोग एंजॉय करने के मूड में ही आए थे। लास्ट डेस्टिनेशन पे ये था कि अच्छे से एंजॉय करेंगे, इसके बाद से जो है फिर नेक्स्ट डे क्या प्लानिंग होती है, कैसे कपड़े पहनते हैं वो पता नहीं था। तो बस यहाँ पर ये जो व्यू है, ये जो बीच है, आप लोग इंजॉय करिए। और आई होप मेरे ब्लॉग के माध्यम से, मेरे इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों ने भी गोवा पूरा इंजॉय किया होगा और मुझे अपने वीडियो से बहुत अच्छे अच्छे कमेंट मिल रहे हैं। तो मेरे ड्रेस को लेकर भी हेमा जी ने कमेंट किया था कि हम लोग गोवा जाते ही इसलिए है। सही बात है, हम लोग गोवा इसलिए जाते हैं कि थोड़ा सा इंजॉय करें, थोड़े से अपने आप को चेंज करें, अपना लुक चेंज करें, और लाइफ में शायद सबको टाइम नहीं मिलता इस तरह का मौका। तो मैंने कहा चलो जब हमें मौका मिला है तो हम भी थोड़ा सा अपना लुक चेंज कर लेते हैं, और कौन सा हम परमानेंट इस लुक में रहने वाले हैं। कुछ दिन की बात है, 5 दिन 6 दिन 7 दिन घूमेंगे, उसके बाद से अपने घर वापस जाएंगे, तो अपने वापस अपने जो ट्रेडिशनल वेयर्स होते हैं उनमें आ जाएंगे। यहाँ पर अभी मैं पानी में उतर चुकी हूँ, मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। इस टाइम पर मेरा मन बहुत किया कि मैं बैठ जाऊँ, लेट जाऊँ, पर कपड़े ख़राब होने के डर से मैं नहीं बैठी। फिर भी मैंने कोशिश करी कि लहरों के बीच में जाकर थोड़ा सा वहाँ पर इंजॉय करती रहूँ। तो बस यहाँ पर ये सब चल रहा है।
तो अभी जो है बागा बीच से लौटने के बाद रात के 8 बज रहे हैं। मैंने बाल बाल बांधे और बहुत रेत रेत सी हो रही थी पूरे कपड़ों में और हाथों पर भी, तो सब कुछ वॉश किया और कपड़े वही पहने, बाल झाड़ लिए और फेस वॉश कर लिया। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं मार्केट के लिए, पास में मार्केट है तो देखते हैं मार्केट से। कुछ सोच रही थी मैं कि हल्का फुल्का शॉपिंग कर लूँ सबके लिए और खाने वाने का देखते हैं। और हम लोगों ने दिन में जो सी फूड खाया था वो बहुत ज़्यादा हैवी था पर बहुत टेस्टी भी था, तो अभी तक वो पेट में है। देखते हैं दिया की खाने की इच्छा है, क्या खाते हैं क्या पीते हैं पता नहीं है। मार्केट चल रही थी और चलिए आप लोग को होटल के बाहर रात का सीन भी दिखाते हैं। दिया झांक रही हैं तो बस हम लोग निकल रहे हैं और इस तरह से जब बाल बांध लेती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है मुझे क्योंकि आप लोगों को पता है खुले बाल बर्दाश्त नहीं होते पूरे दिन खुले बालों के। अब जो है इस तरह से थोड़ा सा फ्री महसूस हो रहा है तो बस चल रहे हैं। रूम की लाइट्स वगैरह बंद कर रहे हैं, आप लोगों से बातें करते चल रहे हैं। जियो वाला फ़ोन ले लीजिएगा, जियो वाला तो फ़ोन के लिए मैं बोल रही थी। और चलते हैं रात में, हमारा होटल जो है बहुत सुंदर लगता है, ये 4-स्टार होटल है और इस होटल का नाम है क्रियोट प्रेस्टीज ना, क्रियोट प्रेस्टीज नाम है, 4-स्टार होटल है। तो काफ़ी अच्छे लोकेशन पर है, यहाँ पे कलंगुट बीच है उसके जस्ट पास ही है ये होटल। तो आप देख रहे हैं रात में कितना सुंदर लग रहा है यहाँ का व्यू। चलिए निकलती हूँ और फिर मिलती हूँ आप लोगों से। और यहाँ इस मार्केट में ये कपड़ों की शॉप पर हम लोग हैं, ये गोवा का लोकल मार्केट है। जिस होटल में हम लोग रुके थे वहाँ के पास का कलंगुट बीच के पास का लोकल मार्केट था। लोकल मार्केट तो क्या बात, ये शोरूम टाइप का था जो कि 3rd फ्लोर तक था। इनके पास वैरायटी काफी अच्छी थी, हमने सोचा चलो यहीं से कम से कम एटलीस्ट बच्चों के लिए, दिया के लिए, मोना के लिए, मेरे फ्रेंड के कुछ बच्चे हैं तो उनके लिए कुछ एक गिफ्ट लेकर जाना अच्छा लगता है। बच्चे होते हैं वो ज्यादा इंतजार करते हैं, तो स्पेशली मोना के लिए, दिया तो हमारे साथ आई है, दिया को तो नहीं भी कुछ दिलवाएंगे तो काम चल जाएगा, पर स्पेशली मोना के लिए बच्ची है वो इंतजार करती है कि माँ पापा क्या लेकर आए। तो मैंने मोना के लिए स्पेशली यहाँ से परचेस करे थे कुछ चीजें, कुछ और अपने फ्रेंड्स के बच्चों के लिए परचेस करे थे, तो कुछ इस तरीके से था। और अभी हम लोग आकर बैठे रेस्टोरेंट में, जैसा कि बताया कि पेट बहुत ज्यादा भरा था तो हम लोग एक सिंपल से वेज रेस्टोरेंट में, उडुपी रेस्टोरेंट होता है साउथ इंडियन का, आपको ही पता होगा, उसमें आकर बैठे थे। और यहाँ पर हमने बहुत ही सिंपल सा फूड ऑर्डर किया था, फूड तो क्या, बहुत ही सिंपल सा फास्ट फूड। मैंने अपने लिए, इनके लिए दही बड़ा ऑर्डर किया, दिया के लिए वेज सैंडविच जो कि हम दोनों का ही फेवरेट था और ये था कि पेट हल्का रहेगा तो हम खा लेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं दही बड़ा कितना प्यारा लग रहा है, इसमें गाजर की गार्निशिंग की हुई थी कैरेट को घिसकर, और ये दिया का वेज सैंडविच जो कि दिया के पापा ने भी खाया था क्योंकि दिया इतना नहीं खा सकती जैसा कि आप देख रहे हैं। तो बस हम लोग यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं अपना खाना और आज इसके बाद बस जाएंगे होटल में, सोएंगे, आराम करेंगे, पूरे दिन थक चुके हैं, नेक्स्ट डे निकलेंगे। कहाँ कहाँ घूमने जाते हैं, कैसे ड्रेसअप होती हूँ, तो मेरे आगे के ब्लॉग में देखना मत भूलिएगा। और ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करके जाइएगा। फिर मिलूंगी अपने नए वीडियोस में नए ब्लॉग्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।